आइडिया। यूट्यूब पर चेक करता हूँ अपनी वीडियो पर कितने लाइक और व्यूज़ हुए। यार पवन, यूट्यूब पर चैनल भी बना दिया, वीडियो भी अपलोड कर दी, फिर भी वीडियो ठीक से रैंक नहीं कर रही है, ना ही तो व्यूज़ है और ना ही लाइक। अब तू ही बता भाई, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा दिखा, थोड़ा स्क्रॉल कर। लो भैया, कर लो बात। अब क्या हुआ? अरे भाई, तुझे ठीक से वीडियो अपलोड करनी भी नहीं आती, व्यूज़ क्या घंटा आएगा? तो कैसे करते हैं वीडियो अपलोड? अरे भाई, अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो तू ही बता ना। अब यही मैं बताऊँ? जाके कंप्यूटर से पूछना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं भी कितना बड़ा डफर हूँ। अब जा कंप्यूटर योग पर और सुन, पूरी वीडियो देखना बिना स्किप के। ओके ओके। और आप भी। वीडियो अपलोड करने का एडवांस तरीका है क्रोम। क्रोम को ओपन करना है, टाइप करना है YouTube डैशबोर्ड ऑन क्रोम, सिंपली सर्च करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से चूज करना है डेस्कटॉप साइट। ऐसा करने से आपके मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर के क्रोम स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको कई सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना YouTube चैनल साइन इन करना है। अगर आपका YouTube चैनल साइन इन ना हो तो आप इस तरीके से क्लिक करके स्विच अकाउंट पर टैप करके आप अपने YouTube चैनल को साइन इन कर लोगे। मेरा YouTube चैनल ऑलरेडी साइन इन है, इसलिए मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप तीन आइकन देख सकते हो, इसमें पहला है वीडियो अपलोड के लिए, दूसरा है इसमें वीडियो लाइव के लिए, और थर्ड है इसमें पोस्ट के लिए। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको वीडियो अपलोड करना है। देन हम सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर हम अपनी गैलरी में एंटर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको गैलरी में जाना है और यहाँ से आप अपनी वीडियो को चूज़ कर लोगे। वीडियो को चूज़ करने के बाद में आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमको फोर स्टेप्स मिल जाती है। पहली स्टेप से डिटेल्स, दूसरी है वीडियो एलिमेंट्स, एंड थर्ड है चेक्स, एंड फोर्थ है आपकी विजिबिलिटी। इन चारों को हमको वन बाय वन करके कंप्लीट करना है। तो पहली है हमारी डिटेल्स, इसमें आपसे पूछ रहा है टाइटल, तो यहाँ पे हम वीडियो का टाइटल डाल देंगे। हमारा वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैंने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को पहले से ही नोटबुक में टाइप करके रखा हुआ है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है, टाइटल कैसे लिखना है, आप इस फॉर्मेट को देखकर आइडिया ले सकते हो, जो कि मैं आपको आगे और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो इसको हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम टाइटल को पेस्ट कर देंगे। सो जिस तरीके से हमने टाइटल को पेस्ट किया था उसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट कर लेंगे। तो इसे देखकर आप आइडिया ले सकते हो कि पहले आपको अबाउट वीडियो लिखना है, जिसमें आपको वीडियो के बारे में लिख देना है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, या फॉलो में मैंने इंस्टा और फेसबुक की लिंक दी हुई है ताकि मेरा वीडियो अच्छे से रैंक करे। फिर आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर दिया हुआ है ताकि मेरे वीडियो पर किसी भी प्रकार की कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो चलिए अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने टाइटल को डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपना डिस्क्रिप्शन टाइप कर देना है। जितना अच्छा आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा, आपके वीडियो के वायरल होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। अपलोड थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम वीडियो का थंबनेल अपलोड कर लेंगे। आप अगर चाहें तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी बनी बनाई प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड कर सकते हैं, या आप न्यू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रहने देते हैं और आपको इस वाले ऑप्शन को टिक रखना है, नीचे शो मोर पे क्लिक कर देना है, फिर आपको टैग वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे आपको वीडियो के टैग्स डाल देने हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक टैग्स डाल रहा हूँ, फिर मैं इसको एंटर कर दूंगा तो मेरा टैग्स ऐड हो जाएगा। मैंने कई सारे टैग्स पहले ही ऑलरेडी कॉपी करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी के बीच में मैंने कोमा दिया हुआ है। टैग एक प्रकार से कीवर्ड होते हैं जिसके जरिए ही हमारे वीडियो यूट्यूब की सर्च लिस्ट में आते हैं और सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को देखते हैं। तो हमने सभी टैग को कॉपी कर लिया है, अब चलिए यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम जो टैग्स है वो हम 500 ही डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा होने पर रेड लाइन शो होने लगेंगी, फिर आपको अपने टैग्स को कम करना होगा। तो चलिए यहाँ से एक टैक्स को हम कम कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं रेड लाइन ब्लू लाइन में बदल चुकी है, इसका मतलब हमारे टेक्स्ट अब सही है। तो ये सब कुछ करने के बाद में हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमारी जो फर्स्ट स्टेप्स रहेगी डिटेल्स, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं वीडियो एलिमेंट्स पर। तो सेकेंड स्टेप से हमारी वीडियो एलिमेंट्स, जिसमें हम लगाएंगे एंड स्क्रीन, उसके लिए आपको एड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको कोई सी भी एंड स्क्रीन चूज़ कर लेनी है, जो भी आप अपने वीडियो पर चाहते हो। तो मैं यहाँ से किसी भी एंड स्क्रीन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जो भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर चाहिए उसके लिए आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे चूज़ स्पेसिफिक वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सामने अपने यूट्यूब चैनल के कई सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। तो मैं इनमें से अपना एक वीडियो ऐड कर दूँगा, तो मैं इस वाले वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा वीडियो एंड स्क्रीन पर ऐड हो चुका है। तो टाइमलाइनिंग के जरिए आप अपने वीडियो की जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद में आपको एंड स्क्रीन चाहिए। यहाँ से आप मैन्युअली भी अपनी एंड स्क्रीन का टाइम सेट कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद में आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी एंड स्क्रीन सेव हो जाएगी। अब यहाँ से आप ऐड कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो। जो आई बटन होता है स्क्रीन पर वही आपका ऐड कार्ड्स होता है, तो उसके लिए आपको ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और फिर आप जो भी वीडियो का अपना आई बटन देना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। वीडियो देना चाहते हो प्लेलिस्ट या फिर चैनल, तो यहाँ पे हम वीडियो देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम अपने वीडियो को चूज़ कर लेंगे, तो जैसे ही हम वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हमारा जो वीडियो वो आई बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसकी भी आप टाइमलाइनिंग सेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है। यहाँ पर आप टाइमलाइनिंग में जाकर देख सकते हो, इसको आप जहाँ पर भी चाहो उसको उठाकर रख सकते हो और उतनी टाइमिंग के बाद में आपका जो वीडियो है उस पर आपकी आई बटन आने लगेगी। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेप थी हमने कंप्लीट कर लिए, डिटेल्स और वीडियो एलिमेंट्स। अब हम करेंगे चेक्स, तो उसके लिए हम जो थर्ड स्टेप से उसके लिए हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो उसमें कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं है, नो इशू फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हो। सब कुछ करने के बाद में हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। सो फाइनली स्टेप है हमारी विजिबिलिटी, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं वीडियो को पब्लिश करने के लिए। पहला है प्राइवेट, जिसमें आप ही अपनी वीडियो को देख पाओगे। दूसरा है अनलिस्टेड, जिसमें आप लिंक के जरिए अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हो। थर्ड है पब्लिक, जिसमें सभी आपकी वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने वीडियो का शेड्यूल भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप डेट डिसाइड कर सकते हो कि किस डेट पर आपको वीडियो को पब्लिश करना है। टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप वीडियो का टाइम डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो प्रेजेंट टाइम पर ही पब्लिक हो, तो उसके लिए आपको सेव और पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिंपली पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको नीचे आना है और नीचे आपको इसको पब्लिश कर देना है, तो आपकी जो वीडियो रहेगी वो रियल टाइम पर ही अपलोड करती जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हो। वीडियो अपलोड करने के बाद में आप चैनल को साइन आउट कर लीजिए, उसके लिए इस पर क्लिक कीजिए, इसे साइन आउट कर लीजिए।